भोजपुरी इंडस्ट्री में कब कहां कैसे कौन सी फिल्म कौन साइन करता है और बाद में वो फिल्म पिक्चराइजेशन किस पर होती है, ये डिपेंड भाई फिल्मी कलाकार को भी नहीं पता होता कि वो कौन सी फिल्म कर रहे हैं और कौन सी फिल्म से उन्हें निकाल दिया जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम आपके लिए आज एक चटपटी और मसालेदार गॉसिप लेकर आए, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खेसारी लाल यादव इन दिनों सैया अरब गैनना की शूटिंग कर रहे हैं। आपके कानों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन खेसारी के फैंस इससे बहुत खुश हैं। लेकिन अगर कोई नाराज है तो दिनेश लाल यादव निरहुआ और दिनेश लाल यादव निरहुआ के फैंस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस फिल्म में तो दिनेश लाल यादव निरहुआ थे, अब अचानक से इसमें खेसारी की एंट्री कैसे हुई? भैया, ये फिल्म ही थी खेसारी लाल यादव की। पहले रत्नाकर कुमार अपनी इस फिल्म को लेकर खेसारी के पास ही गए थे, क्योंकि इस फिल्म का जो टाइटल है इसी पर गाना गाकर रातों रात हिट जो हुए थे खेसारी लाल यादव। अब आपको याद आ गया होगा पूरा मांजरा। अब हम आपको बता दें कि फिल्म के प्रोड्यूसर ने पैसे की लेन देन के चलते इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ को साइन किया। कहा जाता है कि खेसारी लाल यादव ने इस फिल्म को करने के लिए पूरे 50 लाख मांगे थे, जबकि रत्नाकर कुमार को ये बात बड़ी नागवार गुजरी और उन्होंने खेसारी लाल यादव से बड़ा स्टार लेने की सोची। भाई, अब वो पवन सिंह को ले नहीं सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी वो खेसारी की छोड़ी हुई फिल्में कभी नहीं करते। इसलिए रत्नाकर कुमार सीधे पहुंचे दिनेश लाल यादव के पास, जी हाँ, जिन्होंने ये फिल्म करने के लिए हाँ भी कह दी और फिल्म की स्टोरी इन्हें पसंद भी आई। इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ, बड़े बड़े पोस्टर लगे और बताया गया कि फिल्म में आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ की सुपरहिट जोड़ी दिखेगी। फिर अचानक से इस फिल्म में बदलाव हुआ और मौसम ने करवट ली। इस फिल्म में आ गए फिर से खेसारी लाल यादव, क्योंकि ये बात खेसारी लाल यादव को तीर की तरह चुभ रही थी कि उनकी लगातार बैक टू बैक कई फिल्मों में खेसारी की जगह दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ली है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की जगह खेसारी लाल यादव भले इस फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे कम लेकर, यानी कि जो प्रोड्यूसर ने पहले कहा था पैसे देने के लिए, उतने पैसे में ही, तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए में ही खेसारी लाल यादव ये फिल्म करने के लिए तैयार हो गए। तो ये थी हमारी पूरी मसालेदार गॉसिप। यकीन है आपको जरूर पसंद आई होगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।